जय श्री राम मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन आज फिर एक विषय पे हम धार्मिक चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे वास्तु से संबंधित। हमारे घर में ऐसी कुछ चीजें हैं जो निगेटिविटी को बढ़ाने वाली होती है, तो वो कौन सी चीजें हैं आज हम सुनेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि घर हमारे यदि वास्तु अनुसार बना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो घर की चीजें हैं वो भी वास्तु अनुसार होने के बावजूद भी निगेटिविटी को बढ़ाने वाली है। ध्यान देंगे, पहली चीज है हमारे घर की तिजोरी और हमारा पर्स वॉलेट जो हम लेकर के साथ चलते हैं। तो ध्यान देंगे कि इन दोनों चीजों को कभी भी हमें खाली नहीं रखना चाहिए। घर की तिजोरी हो, चाहे हम उसमें एक रुपए का सिक्का एक नोट ही रखें, लेकिन हमें कभी भी उस तिजोरी को खाली नहीं रखना है। साथ ही हमारा जो पर्स वॉलेट जो हम लेकर के चलते हैं, कितना भी हमारे पास तंगी हो, धन की कमी होने वाली हो, लेकिन ध्यान देंगे कि उसमें चाहे हम एक का सिक्का और एक नोट ही रखें, पर सदैव उस पर्स को हमें भर के रखना है, खाली नहीं रखना है। इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे, हमारे घर में वॉशरूम जो बाथरूम होता है, वॉशरूम वहां पर रहने वाली बाल्टी, उसे भी हमें कभी भी रात में जैसे हम यूज होने के बाद खाली रख देते हैं, ध्यान देंगे कि हमें उसे खाली नहीं रखना, सदा ही उसे भर करके रखना है। दिन हो या रात, बाल्टी हमें एक बाल्टी भर करके रखनी है। तीसरी बात करेंगे हमारे किचन में यूज होने वाले मसालों के डिब्बे, अन्न के डिब्बे आदि, ठीक है, अन्न भंडार आदि, उस अन्न भंडार को भी हमें कभी खाली नहीं रखना है। आज का आधुनिक युग है, लोग बाहर से अन्न को खरीद लेते हैं, तो ठीक है, जैसा भी है, लेकिन हमें घर में जो हमारे घर के मसालों के डिब्बे हैं, किचन में मसालों के डिब्बे हैं और जो अन्न के डिब्बे हैं, उनमें चाहे हम थोड़े से अन्न के दाने, ठीक है, अन्न के दानों को फिर भर करके रखेंगे, कभी भी हमें खाली डिब्बे नहीं रखना है। इसका क्या परिणाम होता है, तो ध्यान देंगे इसके